this is Kamala, your computer teacher. And now today we will be going to chapter number 2. This is hardware and software. Let's start with our first topic, hardware. What is a hardware? Hardware are the physical component of a computer which we can touch and see. ये ऐसे कंप्यूटर के ऐसे भाग है जिसे हम लोग छू सकते हैं और इसको फील कर सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, सिस्टम यूनिट, ये सारे जो है आपके हार्डवेयर के भाग हैं। सेकेंड पार्ट है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आर द प्रोग्राम्स ऑफ कंप्यूटर विच परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। एंड स्टूडेंट यू शुड नो दैट विदाउट सॉफ्टवेयर आवर कंप्यूटर कांट डू एनीथिंग। For example, notepad, paint, your games, any kind of application that you have installed on your computer, all these are the software. तो software ऐसे चीज, ऐसे computer के भाग हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं और ये basically programs होता है computer का जिसमें आप कोई भी काम को perform कर सकते हैं, जैसे game खेलना वो भी computer के लिए काम कर है, तो वो भी software के द्वारा होता है। notepad, paint, Microsoft Word, ये सारा जो है software है। Now there are two types of software, name application software, system software. Once again I am repeating, application software, system software. Application software ऐसे software होते हैं जो कि customers के general need के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि आपको drawing करना हो या game खेलना हो, ये specially game software game के लिए होता है और जो भी drawing आप करते हैं तो उसमें केवल ड्राइंग किया जा सकता है। तो ये सारे चीज है, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है और टैली है, ये सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इसमें स्पेसिफिक काम को आप कर सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर स्पेशली सिस्टम के लिए ही बनाए जाते हैं जो कि सिस्टम को संचालित करते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस डॉस है, विंडोज है, ये सारे जो है कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। आप जो भी इनपुट आउटपुट कीजिएगा वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के मदद से ही कर पाइएगा। हम लोग अभी बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। जैसे कि आपको बताया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि प्रोग्राम्स होता है जिसे हम कंप्यूटर में लोड करते हैं, जो कि हर सॉफ्टवेयर, हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी खास काम के लिए बनाए गए हैं, जैसे कि गेम हो गया, टाइपिंग सॉफ्टवेयर हो गया, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। इसमें कुल मिला के आपको चार तरह के एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। पहले जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड मतलब होता है सब, प्रोसेसिंग मतलब शब्दों को लेकर काम करना। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो स्पेशली शब्दों को लेकर या उसको प्रिंट आउट निकालने के लिए होता है, उसे हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहेंगे। जैसे कि एमएस वर्ड है, नोट पैड है, वर्ड पैड है, जिसपे आप लोग काम भी किए हैं, तो ये सारा वर्ड प्रोसेसिंग में आ रहा है। तो क्या क्या हम बताएं, यहाँ पे नोट पैड, वर्ड पैड, एमएस वर्ड, ठीक है, फिर लिब्री ऑफिस है, ओपन ऑफिस का राइटर्स ऑफिस है, ये सारे वर्ड प्रोसेसिंग में आ रहे हैं। और नेक्स्ट पार्ट इज इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से। स्पेशली जब आपको कोई हिसाब किताब करना होता है तो हम लोग को कैलकुलेटिव सीट चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक सीट चाहिए, जिसमें ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो, जिसमें आप फॉर्मूला वगैरह देके कंप्यूटर में कैलकुलेशन करवा पाए। सीधी से सीधा सा एग्जांपल अगर आपको बताएं तो आपका जो मार्कशीट बनता है वो इससे बन सकता है। घर का जो हिसाब किताब है, कितना सामान आप परचेस किए हैं, कितना नहीं किए, उसे हम लोग आपके स्प्रेडशीट के द्वारा हम लोग हैंडल कर सकते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इसमें एक्सेल आएगा, एमएस ऑफिस में, फिर आपका लिब्रे ऑफिस में कैल्क आएगा, ओपन ऑफिस में भी कैल्क आएगा, ठीक है। तो उन सब सॉफ्टवेयर में आप लोग इसमें कैलकुलेटिव काम कर सकते हैं, यानी हिसाब किताब के काम से। नेक्स्ट थिंग है डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये बड़ा अच्छा एक सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर में क्या होगा कि कंप्लीट रिकॉर्ड बच्चों का, जैसे हमारे स्कूल में जितने भी बच्चे हैं उन सभी का रिकॉर्ड अगर रखना है तो बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं। अब उनको एक जगह सिस्टमेटिक वे में रखना है, उसमें कैलकुलेशन भी परफॉर्म करना है, उसमें नया रिकॉर्ड डालना है, कोई बच्चा के लेफ्ट हो गया तो रिकॉर्ड को हटाना है, यानी रिकॉर्ड रिलेटेड काम करना है, तब हम लोग डीबीएमएस का इस्तेमाल करेंगे।
इसके बाद आता है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। इसके बारे में आप लोग को काफी ज्यादा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया का मतलब क्या होता है? मल्टी मीन्स एक से ज्यादा, मीडिया मतलब माध्यम, एक से ज्यादा माध्यम जिसके द्वारा आप सोशल पहुंचा सकते हैं। जैसे कि आप कोई गेम का एग्जांपल ले लीजिए, गेम में क्या क्या चीज है? गेम में आप पिक्चर्स भी दिखेगा, साउंड भी दिखेगा, टेक्स्ट भी दिखेगा, इतने सारे चीज मिल करके वो आपका गेम बनता है। कार्टून नेटवर्क भी उसी तरह से है। तो ये सब चीजें जो है, गेम है, आपका कोई भी मूवी हो या कोई कार्टून हो, ये सारा चीज पार्ट होता है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में आप लोग को देखने को मिलेगा गेम सॉफ्टवेयर, एमएस पावर पॉइंट, ओपन ऑफिस, या आपका ओपन ऑफिस का इम्प्रेस या लिब्रे ऑफिस का भी इम्प्रेस आता है। ये सारे मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का एग्जांपल होता है। तो अब तक हम चार वर्डों के बारे में बात कर लिए हैं, वर्ड प्रोसेसिंग टाइपिंग के लिए, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट आपको कोई हिसाब किताब वगैरह का या रिजल्ट वगैरह बनाने के लिए, DBMS बच्चों का रिकॉर्ड रखने के लिए, रिकॉर्ड मतलब क्या, बच्चों का पूरा डिटेल, यानी एक बच्चे का रोल नंबर, नाम, फादर्स नेम, एड्रेस, ये सारी चीजें हम लोग इकट्ठा एक जगह स्टोर करके रख सकते हैं, जितने सारे बच्चे उन सबका। और मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर गेम, कार्टून, ये सब हो जाता है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आप जो PDF फाइल हम भेजे हैं उसको ध्यान से पढ़िएगा, प्रीवियस वीडियो भी आप ठीक से देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।